यूएई के अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर 1 मार्च से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है, यानी कि अब आम जनता मंदिर के दर्शन कर सकेगी। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर के उद्घाटन के बाद से 29 फरवरी तक पहले से पंजीकरण करा चुके सिर्फ वीआईपी और विदेशी श्रद्धालुओं को ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। उद्घाटन के बाद से ही भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ रहे थे। मंदिर प्रशासन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए भी बताया कि यूएई का बाप्स मंदिर 1 मार्च को सुबह 9 बजे से आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में आम दर्शनार्थी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। वहीं हर सोमवार को आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद रहेगा। आइए जनता से ही जानते हैं कि उन्हें मंदिर में दर्शन करके कैसी अनुभूति हुई। मैं श्रीमती नीलम नंदा जो इंडिया से हूँ और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल यहाँ स्पेशली मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? आप आज लोगों के लिए खोला है मंदिर और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि फर्स्ट डे ये जनता के लिए खुला है, जिसमें हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हमने इस मंदिर के दर्शन किए। इतना अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और मेरे पास शब्द भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि इतना सुंदर नक्काशी इसमें की गई है, कैसे की होगी। और मैं यहाँ की गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मंदिर को, इंडिया के भगवान को, सभी भगवान इसमें दिखाए गए हैं और इनकी भी आस्था है और सभी लोग आएंगे, उनकी आस्था और ज़्यादा धर्म के प्रति बढ़ेगी और विश्व शांति के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। मैम आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मैं श्रीमती सुदेश बाटला, डॉक्टर बाटला मेरे हस्बैंड, हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उधम सिंह नगर रुद्रपुर से हैं। यहाँ आके, इंडिया से यहाँ आके इतना बहुत अच्छा लगा इस मंदिर के दर्शन करके। हम टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके ऐसा लग रहा है मंदिर के दर्शन करके कि बहुत अच्छी भावना आ रही है हमारे मन में कि हम हिंदुस्तान में हैं। हमारे सारे इंडियंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को वहाँ देख के आए। और दुबई में वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, सब लोग मिक्सअप वहाँ भी, लेकिन यहाँ की जो मूर्तियाँ, नक्काशी जो की गई है बहुत सुंदर, किस तरीके से, किस कारीगरों के द्वारा, ये हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की गवर्नमेंट का, यहाँ के लोगों का, जिन्होंने हमें, यहाँ हिंदू लोगों को इतना आदरणीय स्थान दिया है। सर आपका नाम, आप कहाँ से हैं? आप पहले दिन दर्शन किया है? मैं पहली बार दर्शन किया है, मैं सब उत्तरांचल से आया हूँ, रुद्रपुर इंडिया से। मैं डॉक्टर बाटला, मैं यहाँ आके ऐसा मतलब कि खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ कि यहाँ आज मुझे मेरे राब दर्शन हो गए और मैं, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया। और ये मतलब यहाँ पर जो हुआ है मैं देख के खुद हैरान हो गया हूँ कि कैसे कैसे ये बनाया गया है और कैसे कैसे पूरी दुनिया में हमारी पूरी दुनिया में हमारी आस्था को स्थिर रखने के लिए, उसको करने के लिए जो हुआ है उससे मैं बहुत खुश हूँ। यस, सो इट वाज ऑल अ कोइंसिडेंस बिकॉज वी गॉट आवर कोर्ट, अबू धाबी कोर्ट डेट ऑन 1st of March, एंड दैट डेट इटसेल्फ वी केम टू नो दैट वी हैव अ बिग इनॉग्रेशन ऑफ बाप्स हिंदू टेंपल। सो या, इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कम एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सो द मोमेंट वी डिड आवर कोर्ट मैरिज, वी इमीडिएटली रैन एंड केम हियर टू टेक द ब्लेसिंग। आपको बता दें, इस मंदिर के निर्माण में करीब 700 करोड़ का खर्चा आया है। मंदिर का निर्माण साल 2018 से ही चल रहा था। फरवरी 2024 में काम पूरा होने के बाद मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर का निर्माण अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की तरह नागर शैली में किया गया है। मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर में लगे पत्थरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा देश के राष्ट्रीय पक्षी बाज और रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊँटों को भी उकेरा गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।